हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया शांति कोच ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, भार का मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट को कैसे मेजर करते हैं। किसी वस्तु के भार को तौलने के लिए हम बाट का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी वस्तु का वजन तौलना है तो हम किसका यूज करेंगे, बाट का। भारी वस्तुओं को किलोग्राम में तथा हल्की वस्तुओं को ग्राम में तौलते हैं। जो हैवी होती है, जो भारी होती है चीजें, हम उसे किलोग्राम में तौलते हैं और जो हल्की होती हैं उन्हें ग्राम में तौलते हैं। ओके, भार को मापने की मानक इकाई किलोग्राम है। इसकी यूनिट क्या है, भार को जो मापते हैं उसकी यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम को संक्षेप में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और ग्राम को संक्षेप में ग्राम लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। और एक किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं। इस संबंध की सहायता से हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में व छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल सकते हैं। तो हमें ये याद करना है बच्चों कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये चीज आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना। अब किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलेंगे, देखिए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 5 किलोग्राम में 5000, 10 किलोग्राम में 10000 ग्राम। इस प्रकार हम देखते हैं कि किलोग्राम और ग्राम में बदलने के लिए किलोग्राम की संख्या के बाद 3 शून्य लिखते हैं। कितने शून्य लिखते हैं, 3। देखिए यहाँ पे जितने भी चेंज हुए ग्राम में, सब में 3 शून्य लग गए। उदाहरण देखिए, 8 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 8 किलोग्राम में कितने होंगे, 1000 से गुणा कर दो इसको, तो 8000 ग्राम हो गए, ठीक है। किलोग्राम तथा ग्राम को ग्राम में बदलना है। किलोग्राम और ग्राम को हमें किसको किसमें चेंज करना है, ग्राम में। यहाँ पे देखिए 30 किलोग्राम है और 250 ग्राम है, हमें इसे ग्राम में चेंज करना है। तो ये तो जो 250 ग्राम है हम इसको तो चेंज करेंगे नहीं, हम खाली किलोग्राम वाले को चेंज करेंगे। तो 30 को 1000 से गुणा कर देंगे, प्लस 250 कर देंगे, फिर 3000 आ गया, प्लस 250 किया तो 3250 आ गया। ओके, इसी तरीके से बच्चों आपको ये एक्सरसाइज करनी है। रिक्त स्थान भरिए, यहाँ पे 3000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 3, ठीक है। इसी तरीके से 6 किलोग्राम में 6 ग्राम हो गए। यहाँ पे ग्राम वाले दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। इसमें ग्राम में बदलना है, अभी मैंने आपको बताया था ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। तो इस सारे नंबर को आपको 1000 से गुणा करना है। किलोग्राम तथा ग्राम में बदलना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो ग्राम वाला है किलोग्राम तथा ग्राम में बदलना है ग्राम को, तो हम 1000 से गुणा कर देंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए बच्चों, ग्राम को किलोग्राम तथा ग्राम में बदलने के लिए समय याद रखे है 485 ग्राम। तो हम इसे क्या करेंगे, 485 ग्राम ये क्या होगा, 4000 प्लस 835, इसको हमें 1000 से गुणा कर दिया 4 को, तो आ गया हमारा, ये डिवाइड किया है, ठीक है बच्चों, भाग दिया इसको, फिर आ गया ये 4 किलोग्राम 835 ग्राम। इसे हमने क्या किया, भाग किया है। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।